हाय फ्रेंड्स, आज हम अपना थर्ड टॉपिक लेके आ रहे हैं, बेसिक ऑफ ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी इज इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर ऑफ द हार्ट। हम उसको ले लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हार्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर होता है वो हम ईसीजी पे देख लेते हैं। तो आज हम ईसीजी के बारे में जानने वाले हैं, और इससे पहले जो हमने जाना है वो हार्ट एनाटॉमी और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ईसीजी, और आज हम ईसीजी के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली ईसीजी पेपर और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी पेपर पे, उसके मेथड्स और जो लीड पोजीशन, जो कि एक क्रूशियल पार्ट होता है ईसीजी का। हमें सिखाया गया है कि अगर लीड पोजीशन गलत हो जाए तो ईसीजी गलत होता है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। लीड पोजीशन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ईसीजी में। गलत लीड पोजीशन, गलत ईसीजी आएगा और गलत इंटरप्रिटेशन होगा ईसीजी के बारे में। तो लीड पोजीशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आज हम देखेंगे कि कहाँ क्या कौन सा लीड आना चाहिए। तो चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर ईसीजी। दोस्तों, हमें ईसीजी समझने से पहले ईसीजी पेपर को समझना पड़ेगा, उसके कैलकुलेशन समझने पड़ेगी कि एग्जैक्टली ईसीजी पेपर में हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो वो जानने के लिए अपने को ईसीजी पेपर जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई हम ईसीजी देखने के लिए हाथ में लेते हैं तो हमें उसका स्पीड पहले देखना होता है कि ईसीजी का स्पीड क्या होता है। नॉर्मली हर कोई ईसीजी का स्पीड जो होता है उसके बॉटम में लिखा होता है, जो यहाँ पे लिखा है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है वो हमें याद रखना होता है कि वो कौन सा स्पीड है, वो हमें देखना होता है। सेकेंड होती है उसकी हाइट। जैसे कि ये अभी हम मान लें ए है वर्टिकल लाइन ईसीजी का, ए हमें रिप्रेजेंट करता है मिलीमीटर को और मिली होल्ड को। कोई भी नया ईसीजी आएगा तो उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसका कैलिब्रेशन होता है ईसीजी का। जब भी कोई हाइट का कैलिब्रेशन होता है तो हाइट का कैलिब्रेशन इस तरीके से आएगा, और इधर आएगा 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिली होल्ड। जो हम एक्सरे ईसीजी का हाइट ये करते हैं, लेते हैं आरवीओ का, आरवीओ कितनी है तो हम मिली होल्ड में उसको काउंट करते हैं और मिलीमीटर के हिसाब से बोलते हैं। ये हो गया वर्टिकल लाइन के बारे में। अभी जो हॉरिजेंटल लाइन है जो ईसीजी की, वो रिप्रेजेंट करती है टाइम को, टाइम सेकेंड मिली सेकेंड को। ये टाइम हम जो भी काउंट करेंगे, मिली सेकेंड हम जब भी काउंट करेंगे, उस वक्त भी हमें 25 मिलीमीटर जो पर सेकेंड है ये इम्पोर्टेंट रहता है। नॉर्मली ये जो अभी एक बॉक्स है, ये जो बड़ा बॉक्स है, ये बड़े बॉक्स की वैल्यू जो होती है, वो बड़े बॉक्स की वैल्यू होती है 200 मिली सेकेंड। और इसमें से जो एक छोटा बॉक्स है उसकी हर एक की वैल्यू होती है 40 मिली सेकेंड। तो इस हिसाब से हमें ईसीजी का जो स्पीड टाइमिंग है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। उसकी वजह से हमें आरआर इंटरवल जब निकालेंगे तो हमें आरआर इंटरवल में निकालने में हमें मददगार होगा, और उस हिसाब से हम जो कुछ हार्ट रेट है वो निकालने में हमें ईजी चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो ऊपर का जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर हम मिलीमीटर काउंट करते हैं, जो कि आर वेव जो है, वेव्स की हाइट हम इसमें मेजर करते हैं, और ये होता है मिली वोल्ट में। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट, यानी 10 मिलीमीटर मीन्स 1 मिली वोल्ट। और पेपर स्पीड के बारे में बात की जाए तो उसका वन बॉक्स इज इक्वल टू 200 मिली सेकेंड, और एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो स्क्वेयर होता है ईसीजी का, एक बड़ा स्क्वेयर होता है, बड़ा स्क्वेयर में 5 छोटे स्क्वेयर होते हैं। अगर ये 5 छोटे स्क्वेयर जो होते हैं ये मिलके होता है एक बड़ा स्क्वेयर। ये हो गया ईसीजी का बड़ा स्क्वेयर। तो ये जो छोटा स्क्वेयर है इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि ए वैल्यू कितनी है। ए वैल्यू अगर हमें पता चले तो ही हम ईसीजी का हार्ट रेट निकालने में हमें मददगार होंगे और ईसीजी पढ़ने में मददगार होंगे। तो ईसीजी का जो नॉर्मल स्पीड होता है वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ईसीजी पेपर से निकलता है।
अगर 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर इस स्पीड से पेपर से पेपर निकलेगा मशीन से, तो एक मिनट में हमें 300 बिग स्क्वायर मिलेंगे, बिग स्क्वायर मिलेंगे। ए बिग स्क्वायर जो होंगे, ए इसकी बात कर रहे हैं हम, ए बिग स्क्वायर हमें 300 मिलेंगे। अगर 300 हमें बिग स्क्वायर मिल रहे हैं, तो स्मॉल स्क्वायर हमें मिलेंगे एक मिनट में 1500 स्मॉल स्क्वायर। तो यहां तक आप क्लियर हो जाइएगा। अगर आप 25 मिलीमीटर सेकंड के स्पीड से ईसीजी पेपर निकल रहा है, तो एक मिनट में हमें 300 बिग स्क्वायर मिलेंगे, और एक उसी एक मिनट में हमें 1500 स्मॉल स्क्वायर मिलेंगे। जब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की, तो यह हमें टाइम रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने आपको बताया था। तभी हम बात करेंगे सेकेंड्स की। जैसे कि हमने बताया था 25 मिलीमीटर स्पीड पर सेकेंड के हिसाब से पेपर स्पीड होगा, तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस सेकेंड की जो प्राइस होगी वो हमें पर स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, एक लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्मॉल जो कुछ है ब्रैकेट उसके हिसाब से। तो अगर एक सेकेंड इज इक्वल टू कितना मिली सेकेंड होगा, ये हमें जानना पड़ेगा। अगर एक सेकेंड की वैल्यू हम निकालते हैं, तो एक सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड होगा। मिली सेकेंड के हिसाब से हम सेकेंड को काउंट कर रहे हैं, तो डिवाइड किया सेकेंड को हमें 1000 मिली सेकेंड को। अगर हम इस प्रकार से अगर इसको ए करेंगे, तो हमारी जो एक स्क्वायर जो ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आएगी 40 मिली सेकेंड। हम सारे कैलकुलेशन मिली सेकेंड में करेंगे, तो इसकी वजह से हमें आसान होगा। तो एक सेकेंड स्मॉल बॉक्स की कीमत होगी 40 मिली सेकेंड, और एक लार्ज बॉक्स जो है इसकी वैल्यू होगी 200 मिली सेकेंड। यहां तक क्लियर हो जाइएगा दोस्तों, कि एक छोटा जो बॉक्स है उसकी वैल्यू है 40 मिली सेकेंड, और जो बड़ा बॉक्स है उसकी वैल्यू है 200 मिली सेकेंड। तो दोस्तों, जब भी हम कोई ईसीजी पेपर हाथ में लेते हैं या ईसीजी पढ़ना चालू कर देते हैं, तो अपने को पहले उसका स्पीड देखना है। स्पीड आपको ईसीजी स्पीड जो दिखाई देगा, तो उस पे से अपने सारे इंटरप्रिटेशन जो होंगे ईसीजी के, वो उसी पे होते हैं। तो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ईसीजी में। और ये जो ईसीजी है, हमने जो भी आपको बताया है, जैसे हमने अभी बताया कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हमने सारे वैल्यूज निकाले हैं, इतना आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अभी हम आपको बताने जा रहे कि लीड पोजीशनिंग क्या होती है। बेसिकली अपने को जो लीड्स होती है, वो लीड्स होती है 10 लीड होती है। 10 लीड के हम जब उसको प्लेसमेंट करते हैं 10 लीड को, तो हमें 12 लीड ईसीजी मिल जाता है। तो 12 लीड ईसीजी हमें अलग अलग हार्ट को कहाँ से देखता है, उस हिसाब से हमें वो दिखाई देता है। जैसे कि पहले 4 लीड्स होते हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, और बाकी के जो 6 लीड्स होते हैं वो होते हैं चेस्ट लीड, जो कि V1, V2, V3, V4, V6 के नाम से जाने जाते हैं। अभी ये चेस्ट लीड जो भी है V1 टू V6, उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ए प्लेसमेंट जो अंटेरियर वाले में है, इन्फेरियर वाले में है, या जो कुछ है, वो हमें अच्छी तरह से दिखाएगा। तो हम अभी जो जा रहे हैं वो चेस्ट लीड की तरफ जा रहे हैं। हमने एक यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है चेस केस का, और जिसमें हमने रिप्स बनाई है और ये स्टर्नम बोल। तो अभी जो हम प्लेसमेंट कर रहे हैं लीड्स की, तो फर्स्ट लीड जो होता है V1, वो आता है राइट साइड में 4 एंड 5 रिप्स के बीच में इंटरकोस्टल जो स्पेस होती है, वहां पे आएगा अपना V1 लीड। और उसके ऑपोजिट ही अपना जो दूसरा होता है लीड आता है V2, ये जो है यहां पे आएगा V2। अभी दोस्तों, जब हम लीड पोजिशनिंग करने जाते हैं, तो हमें लीड पोजिशनिंग जब करते हैं, तो V1, V2 के बाद हम V3 पोजिशनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें V3 करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, वो होता है मिड क्लेविकुलर बोन के नीचे 5th इंटरकोस्टल रिब में होता है V4। तो हमें यहाँ पे V4 पहले प्लेसमेंट करना है, और उसके बाद V3 जो लीड होता है, V2 और V3 के बीच में 5th इंटरकोस्टल के बीच में यहां आएगा आपका, इन दोनों के बीच में आएगा V3। तो वो लेटर रहेगा, V3 की प्लेसमेंट रहेगी ये वाली।
अभी हम V5 और V6 की बात करें तो V5 V6 के करने से पहले हमें जो V6 है वो V6 हमें प्लेसमेंट करना पड़ेगा लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि सब क्लेवक्लेयर एक्सिलरी लाइन जो होती है एक्सिलरी लाइन के बीच में। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक्सिलरी लाइन कैसी होती है, तो ये जो एक्सिलरी लाइन है अपनी, तो मेरा जो अगर लेड टूल प्लेसमेंट करना होगा तो यहाँ पे होगा वो, जैसे कि इस सिक्स में ये V6 इस साइड में आ जाएगा, और ये V4 जो है मिड, जो हमने मिड क्लेवक्लेयर लाइन जो बताई है, तो उसमें V5 और V6 का जो इंटरकॉस्टल स्पेस होगा उसके बीच में आएगी, और दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे मिडल पे आएगा V5। तो जब भी हम ईसीजी लीड लगाने जाते हैं तो हमें पहले ये याद रखना है कि V1 फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल रिब के बीच में आता है, V2 लेफ्ट साइड में आता है, और वो भी V4 और V5 के इंटरकॉस्टल रिब के बीच में आता है। और जब हम V4 V2 के बाद में V3 लीड नहीं लगाते, हम लगाते हैं V4 लीड, क्योंकि उसका जो मार्किंग होता है मिड सबक्लेवक्लेयर लाइन, सब क्लेवक्लेयर लाइन के बीच में हम लगाते हैं V4, और होता है फिफ्थ और सिक्स रिब्स के इंटरकॉस्टल के स्पेस में। नॉर्मली हम निपल को भी देख सकते हैं, निपल के नीचे भी हम V4 लगा सकते हैं, तो V4 हम निपल के नीचे भी लगा सकते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में लगाएंगे हम V3, और V3 V4 हो जाने के बाद हम लगाएंगे V6। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरकॉस्ट अपना जो एक्सिलरी लाइन है लेटरल साइड में जाके हमें V6 लगाना पड़ेगा, वो भी आएगा V5 फिफ्थ इंटरकॉस्टल रिब के बीच में आएगा, और उसके आएगा V4 और V5 के बीच में हमें आएगा V5 का लीड। तो ये दोस्तों ये पोजिशनिंग भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि हम EP वगैरह करते हैं तो हमें इस पोजिशनिंग का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि हम ऑन टेबल EP के लिए ए लीड लगाते हैं, 12 लीड ECG लगाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिएगा। दोस्तों अभी जो हमने बात की थी चेस्ट लीड पोजीशन की, वो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो V1 जो आएगा, V1 आएगा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आएगा राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, V2 आएगा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, V3 डायरेक्टली आएगा V2 और V4 के बीच में, हम V3 पहले लगा नहीं सकते, V4 के बाद हम V3 लगाते हैं। उसके बाद आएगा V4 जो आएगा फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आएगा मिड क्लेविकुलर लाइन पे, उसके बाद आएगा V5 जो आएगा वो आएगा एट इन्फेरियर लेटरल एक्सिलरी लाइन पे आएगा, और V6 आएगा लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, जो कि लेटरल लाइन में हमने बताया था आपको, वहां पे आएगा। तो हमने ये बात वापस एक बार कर दी है आपको, अभी आगे जो बात है अपने कौन सा रेट किस जगह पे कैसे देखता है, तो हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि ये जो लीड वन जो होता है वो लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को देखेगा, लीड टू जो होगा वो इन्फेरियर वॉल ऑफ द हार्ट को देखेगा, थर्ड भी होगा इन्फेरियर वॉल ऑफ द हार्ट को देखेगा, AVR ऐसा कुछ उसका स्पेसिफिकेशन है नहीं है, AVL जो है AVL दिखेगा लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट, और AVF जो आएगा वो भी दिखेगा इन्फेरियर वॉल ऑफ द हार्ट। ये जो हमारे चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड हमें बताएंगे कि V1 जो होगा वो सेप्टम की तरफ देखेगा, सेप्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, V2 जो होगा सेप्टम की इन्फॉर्मेशन देगा, V3 होगा एंट्रियर वॉल जो होगा हार्ट का उसका इन्फॉर्मेशन देगा V3 V4, और V5 V6 जो है वो लेटरल वॉल का इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि हम कभी कभी बोलते कि भाई एंट्रियोलेटरल इन्फेक्शन है, इन्फ्रोलेटरल इन्फेक्शन है, या सेप्टम इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, तो हमें उस लीड में पर्टिकुलरली ECG के चेंजेस दिखाई देते हैं, इसलिए एस्टेलेशन दिखाई देते हैं, या ECG दिखाई देता है एस्टेबुलेशन वगैरह, तो हम उस तरीके से उसको प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि 1 और 2 में एस्टेबुलेशन होगा तो हम इन्फेरियर बोलते हैं, नॉर्मल इन्फेरियर वॉल एम आई होगा तो फर्स्ट सेकेंड लीड थर्ड लीड और AVF में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। दोस्तों हम जब भी हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं RR इंटरवल के बेस पे, AR इंटरवल के दोनों के बीच में जितना स्पेस है, जितने स्मॉल बॉक्सेस है या लार्ज बॉक्सेस है उसके हिसाब से हम RR इंटरवल के हिसाब से हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, या PP ये पी वेव और AP वेव के बीच में जितने लार्ज बॉक्सेस और स्मॉल बॉक्सेस है उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जब हम RR इंटरवल की बात करते हैं तब हम वेंट्रिकल रेट की बात करते हैं, और जब हम पी वेव की बात करते हैं तो हम आर्टेरियल रेट की बात करते हैं। ऐसे भी हार्ट रेट मेथड्स बहुत सारी है हार्ट रेट कैलकुलेट करने की। पहली मेथड है RR इंटरवल लार्ज बॉक्सेस
डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय आर आर इंटरनल लार्ज बॉक्सेस, पहला मेथड है। अभी आपको पता होगा ये 300 आया कैसे है, जो हमने कैलकुलेट किया था उस हिसाब से एक मिनट के स्पीड में, एक मिनट में इसी पेपर के मशीन से 300 बिग बॉक्सेस निकलते हैं। दूसरा होता है आर आर इंटरवल 1500 डिवाइडेड आर आर इंटरवल स्मॉल बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस काउंट करेंगे, ये होगा। तीसरा होगा 6 सेकेंड स्ट्रिप, ईसीजी स्ट्रिप। एक्चुअली जब रिदम जो होगा इरेगुलर होगा तब ये 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप होता है, तब ये काम में होता है। और चौथा होता है 1000 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल इन मिली सेकेंड इंटू 60 इज इक्वल टू हार्ट रेट। तो ये हो गया मेथड्स। अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम ये करेंगे, वो है 300 इंटरवल, 300 डिवाइडेड बाय द आर आर इंटरवल। अभी ये ईसीजी पेपर है, ईसीजी पेपर पे अगर हम देखेंगे, ईसीजी पेपर पे जब हम देखेंगे ये जो बॉक्सेस है, अगर हम यहाँ पे आर इंटरवल मान लेते हैं और दूसरा आर इंटरवल यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स, तो यहाँ पे हमें पांच बॉक्स मिले दो आर आर इंटरवल में। तो ये पांच बॉक्स जो हो गए, तो हमें क्या करना है, 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 5 सिक्स ज़ा 30, ये जीरो उधर आ गया, तो 16 बीट्स पर मिनट, ये अपना हार्ट रेट आ गया। अगर यही कॉस्ट हम इस हिसाब से करेंगे कि इसमें कितने हैं, अभी सपोज कि एक आर आर इंटरवल इधर है और दूसरा आर आर इंटरवल मिडल ऑफ द है, ये है आर आर इंटरवल, तो ये हमारा दूसरा चल रहा है कि 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस। जब अपने को पर्टिकुलर इसी चाहिए होगा तो अब हम इस तरीके से लेंगे, एक स्मॉल लार्ज बॉक्स, दो लार्ज बॉक्स, तीन लार्ज बॉक्स, चार, पाँच, पाँच यानी 25, 26, 27, तो 27 स्मॉल बॉक्स आ गए इसमें। तो हमें डिवाइडेड करना है 1500 डिवाइडेड बाय 27, 1500 डिवाइड बाय 27, 1500 डिवाइड बाय 27 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका हार्ट रेट आएगा 57 के आसपास। तो 57 हमें पर्टिकुलर पता देगा कि वो 57 हार्ट रेट, हार्ट बीट्स है पर मिनट, ये हो गया सेकेंड। अभी हम जब 6 सेकेंड ईसीजी स्किप करते हैं तब आर आर इंटरवल जो होता है दोस्तों कभी रेगुलर नहीं होता है, आर आर इंटरवल कभी रेगुलर नहीं होता है। आर एक आर यहाँ आएगा, दूसरा आर यहाँ आएगा, तीसरा आर यहाँ आएगा, चौथा आर यहाँ आएगा, दैट ये जो स्पेस है ये स्पेस सिमिलर नहीं है, जैसे कि पहले में एक स्पेस हमेशा आ रही थी वैसे यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो इस ऐसे इरेगुलर हार्ट रेट के लिए अपने को थर्ड मेथड यूज करनी पड़ती है, 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप होता है। 6 सेकेंड ईसीजी में अपने को मिलेंगे 30 बॉक्सेस मिलेंगे, अगर हम कैलकुलेट करेंगे बराबर तो हमें बोले मिलेंगे 30 बिग बॉक्सेस, हमें मिलेंगे 30 बिग बॉक्सेस ईसीजी के। तो हमें वो काउंट करना होता है कि आर आर इंटरवल कितने, उसमें कितने आर आए हैं 30 मिली सेकेंड्स में, 6 सेकेंड ईसीजी में कितने आर इंटरवल आए हैं वो हमें काउंट करने होते हैं कि आर कितने आए हैं। सपोज उसमें अगर 7 आर वेव्स हैं तो हमें ये करना होता है 7 आर वेव्स आए हैं, तो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें कैलकुलेट ऐसे करेंगे 7 आर वेव्स इंटू 6 इंटू 10, क्योंकि 30 सेकेंड का है, 6 सेकेंड का है तो हमने 10 किया, तो इसका हार्ट रेट आएगा 70 बीट्स पर मिनट, ये आएगा। हमने 10 क्यों लिया, क्योंकि जो 6 सेकेंड 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो हमने 6 सेकेंड को 60 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 6 सेकेंड आ गया, सो इसलिए हमने इधर 10 इंक्लूड किया, 6 इंटू 10 तो 7 इंटू 10 7 आर और 6 इंटू 10 इज 60 सेकेंड्स, सो इसका आ गया हार्ट रेट 70 बिट्स।
अभी हमारा थर्ड है, फोर्थ है, वो फोर्थ है 1000 डिवाइडेड बाय आरआर इंटरवल इंटू 60। एक कैलकुलेटिव है, इसमें हम जो काउंट करेंगे ये 1000 है, ये 1000 इन द मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय द आरआर इंटरवल। अगर आरआर इंटरवल आपका यहाँ पे जो है हमने दिया है कि आरआर इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5, 5 यानी कितना, हमने जैसे काउंट किया था कि 5 जो है तो 5 इंटू 200 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो हम इधर 1000 मिली सेकेंड का अगर 1000 मिली सेकेंड के हिसाब से गिनेंगे तो आरआर इंटरवल कितना है 1000 मिली सेकेंड, तो एक गया यानी 1 इज 60, तो इसका जो हार्ट रेट आएगा वो आएगा 60, ये आएगा 1000 का आएगा, ये 1 आएगा क्योंकि 1001 इज 1, वो 1 आएगा इंटू 60 बिट्स पर सेकेंड, जो हमने इधर 60 दिया है वो 60 सेकेंड है, तो इज इक्वल टू 60 बीट्स पर मिनट। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 800 मिली सेकेंड यानी आरआर इंटरवल इनटू 60 इज इक्वल टू हार्ट रेट। अभी 1000 को 800 से हम काउंट करेंगे तो 800 800 200, 1.25 इज द आंसर। अभी 1.25 इंटू 60 करेंगे तो इसका अप्रोक्स आंसर आएगा 75 बीट्स पर मिनट। तो ये इजी है, अगर आप कैलकुलेटिव वे से जाने चाहते हैं तो ये इजी इजी वे है। अगर आपके पास ECG और RR इंटरवल रेगुलर है और आपको बड़े बॉक्सेस मिल रहे हैं बराबर, तो आप इस मेथड के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास स्मॉल बॉक्सेस है, लार्ज बॉक्सेस बराबर नहीं है, कम है कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस मेथड के साथ जा सकते हैं। अगर रिदम इरेगुलर है तो आप 6 सेकेंड रिदम स्ट्रिप ECG स्ट्रिप के साथ जा सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स स्टाइल से करना चाहते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय आरआर इंटरवल इनटू 60 इस हिसाब से जा सकते हैं। तो दोस्तों आज तक हम यहीं पे रुक रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको जो मेडिकल फील्ड के दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।